तो फील ले रहे हैं आप सब लोग, फील लेते रहा करो यार। आज सांस लेंगे मेरे साथ सारे जने, तो लेट्स सेट गो। तो फील लेना शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज बात करते हैं स्कूल टीचर्स की, जमाने के साथ कैसे बदल गई स्कूल टीचर्स और बच्चों के मार्क्स 60% से 95-98 कैसे आने लग गए। क्या ये इंटेलिजेंट हो गए? नहीं, इसके पीछे लॉजिक है बहुत तगड़ा। वीडियो एंड तक देखना, पूरी वीडियो में पूरा मजा दूंगा और पता लगेगा ये बच्चों के 95 कैसे आ रहे हैं, समझा करो। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले 1990s की। पहले जमाना था भारी टीचर्स का, हेल्दी टीचर्स, उनको देख के बच्चों को, हम जैसे बच्चों को फील ही नहीं आती थी पढ़ने, कहाँ से फील आए। और उस टीचर की कमर नहीं होती थी, कमरा होता था कमरा, और वो कमरा अपनी साड़ी, उसकी अपनी साड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, तो जो उसकी आउटर बाउंड्रीज होती थी ना उसकी साड़ी की, वो बाहर निकल जाती थी और वो उसी पर लानत मारती होती थी, यार ये तेरी ऐसी मजा नहीं आ रहा पढ़ने। और उसकी साड़ी पर एक चाबी का बंडल भी होता था, वो खुद ही कहता था ये कमरा ऐसे नहीं खुलेगा जानी, इस पर ताला है। समझ रहे हैं, शैतान है बहुत ज्यादा, समझा करो। तो फिर ऐसी टीचर के साथ हम जैसे बच्चों में भी कहां से जोश आता, जोश ही नहीं बच्चों में पढ़ने का। अब बेचारे नींद में आलस के मारे स्कूल चले जाते थे, अब जैसी मैडम एंटर करती थी नींद में, गुड मॉर्निंग मैडम, पहले के बच्चे मैडम बोलते थे, ये मैम वर्ड तो आज ही आएगी, वो जो एडिशनल डी ए लगता था ना, वो डी ए इसलिए लगता था क्योंकि हम जैसे बच्चे होते ही डंगर थे, डंगर, अक्ल ही नहीं होती थी, फील कैसे ली जाती है, समझ रहे हैं आप, समझा करो। अब आप सिचुएशन समझो, जून का महीना, जान फाड़ गर्मी, 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और डेस्क पर बैठते ही आपके पिछवाड़े जल रहे हैं, क्या करो आप, इतनी ज्यादा गर्मी, और टीचर की कमर नहीं कमरा, और उस कमरे में से पसीना टप टप टप, कहां से फील आएगी, पसीना भी आ रहा है। और उस जमाने का फैन आपने देखा ना, पंखा भी यूं घूम रहा होता था, वो भी उस पर लानत मार रहा है, मोटी तेरी जा, पीरियड ओवर कर दे मोटी। अब इतनी गर्मी है तो नेचुरली आपको भी पसीना आएगा, जहां जहां पसीना आता है ना वहां वहां ठंडा ठंडा लग रहा होता है, एहसास हो रहा होता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप डेस्क पर बैठे हैं तो आप बस उसको यूं हिलते हुए इधर उधर एहसास ले रहे होते हैं। पर थोड़ी देर बाद पसीना ऐसी जगह चला जाता है जहां आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड साथ में ही बैठी है, अगर आपने वहां पे कुछ करा तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। पर आप थोड़ी देर बाद वो पसीना बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो मचलते वो उठ जाते यूं, और आपकी टीचर यूं चौक मार के फेंकती है भाई पसीने वाला, रचित ये क्या बदतमीजी है। इस एटमॉस्फेयर में बच्चों के मार्क्स कहां से आते, बच्चों में ना जोश ना फील, टीचर भी ऐसी आलसी सी, तो बच्चों का स्कोर 60-65% आता था, और जो 70% ले आए बच्चा वो तो राजा। दोस्तों फिर जमाना बदला, स्कूल्स को लगा कि बच्चों को फील नहीं आ रही है और इसीलिए बच्चों के मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टीचर्स को, बहुत हॉट लुक्स वाले टीचर्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया, ताकि बच्चों को पढ़ने में फील आए। तो हम जैसे बच्चे कुछ फील ले पा रहे थे, हाँ आप समझ रहे हैं ना, समझा करो। अब टीचर जैसे ही एंटर करती, एक अच्छी सी फ्रैगनेंस, वही वाला परफ्यूम लगा के, हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, मैंने कहा ओ ला ला, मैंने कहा अब आएगी फील पढ़ने में यार, अब मजा आएगा। और उस जमाने की टीचर्स इतना डांटती नहीं थी, मीठा मीठा डांटती थी ना, सिचुएशन इज आपने होमवर्क नहीं करा और वो टीचर आपके पास पढ़ती हुई आ रही है, अब आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है ना, अब फाइनली वो आपके पास आ गई। Now understand the situation. टीचर ने लगा रखा है वही वाला परफ्यूम, उसकी 30 इंच वाली लचकती कमर, और उसकी कमर पर एक लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा तिल भी है,
और टीचर ने लगा रखी है प्योर रेड लिपस्टिक। लग गया। अब आपका और टीचर का डिस्टेंस सिर्फ 2 इंच का है। अब टीचर आपके पास आती है और पास आती है और वो पूछती है, रचित व्हाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। अब वो आपके इतने पास है कि आपको लगता है नहीं यार आज तो ये लव बाइट दे कर ही जाएगी। हाँ मेरे बच्चों, उसने मुझे लव बाइट नहीं दी, पर वो हल्का सा डांट कर चली गई और बोल के चली गई, रचित प्लीज डू योर होमवर्क बाय टुमारो। अब इतने प्यार से कोई बोले और रचित होमवर्क ना करे, ये ना हो पाएगा मम्मी मुझसे, ये ना हो पाएगा मम्मी, समझा करो। तो फिर इसीलिए बच्चों के मार्क्स भी बढ़ने लग गए। Now they are able to score 80-85%। आप समझ रहे हैं ना बच्चों के मार्क्स क्यों बढ़ रहे हैं? समझा करो। समझ रहे? बहुत ज़्यादा शैतान है यार, बहुत ज़्यादा शैतान है। दोस्तों फिर एक बार जमाना बदला और स्कूल्स को लगा कि नहीं बच्चों में अभी और पोटेंशियल है, they can score 95-98%। तो अब उन्हें और फील दिलाई जा सकती है। आप समझ रहे हैं ना? कैसे? अभी समझाता हूँ आपको। अब सुबह का वक्त है, आपकी टीचर अपनी होंडा सिटी से उतरती है, गॉगल्स लगाकर, परफ्यूम लगाया हुआ है, एंड शी इज एंट्रिंग। और उसकी कमर तो बच्चे आंखें बंद करके भी बता देते हैं, कहीं 26 इंच की कमर, एंड शी इज एंट्रिंग। कई बच्चे तो 15 मिनट पहले ही आगे खड़े हो जाते हैं कि नहीं यार हम तो इस टीचर को देख के रह जाएंगे। एंड दे लुक लाइक हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कम। और अब तो क्लासरूम्स भी ऐसी हो गए हैं तो गर्मी का तो नामो निशान नहीं। अंडरस्टैंड द सिचुएशन, 26 इंच की कमर, परफ्यूम लगाया हुआ है, एसी चल रहा है, आहा ठंडी ठंडी हवाएं, ब्लैक एलिगेंट साड़ी। और जब वो एंटर करती है ना, एंटर करने से पहले उसकी हाई हील्स की प्यारी प्यारी आवाज आती है, टक 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 टक, एंड शी एंटर्स एंड यू लाइक तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होंठों की सरगम। मतलब आप उस टीचर को देखकर इतनी ज्यादा फील आ जाती है कि बच्चों के 20-25% मार्क्स तो वैसे ही बढ़ जाते हैं, फील से ही बढ़ जाते हैं। तो आप क्या सोच रहे थे आजकल के बच्चे इंटेलिजेंट? अरे ना ये बेईमान जमाना उनके नंबर बढ़ा रहा है। आप समझ रहे हैं ना? समझा गए? अगर ऐसी टीचर मेरे जमाने में होती ना तो मम्मी 101 भी लाता और छाती पर गोली भी खाता। भाई गॉड। तो अब आप समझे कि बच्चों के मार्क्स 60-98% कैसे हो गए? 26 इंच, ब्लैक साड़ी, परफ्यूम। आप समझ रहे हैं ना? समझा करो। बहुत शैतान हो यार आप, बहुत शैतान हो यार, मिलते रहा करो यार, मजा आता रहता है आपसे मिलकर। दोस्तों अब मैंने अगर इससे आगे वाले जमाने की टीचर्स की डिस्कशन शुरू कर दी तो आपको नींद नहीं आएगी। तो सिर्फ इतनी ही फील लीजिए, इतनी ही फील लीजिए, और भी फील आएगी और एक्ट्स आएंगे। अंटिल देन कीप स्माइलिंग, कीप सपोर्टिंग ठीक के रचित भाटिया। और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो इस वीकेंड आने वाली है, जल्दी जल्दी लाएंगे यार वीडियो। रचित की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, फंस ना जाए रचित, ध्यान से रहना, पकड़ लेना, समझा, बिकॉज़ आई लव यू यार।